दोस्तों, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप व्यूवर्स मेरे चैनल की वीडियोस देखते हैं, पसंद भी करते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, या फिर चैनल की जो वीडियोस है उसको आगे दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते। कुछ व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो वीडियो को स्टार्ट तो करते हैं बट एक आधा मिनट देखकर वीडियो को बंद कर देते हैं। सो प्लीज दोस्तों, ऐसा मत कीजिए। वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तभी तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं किया जाएगा आपसे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उसके बगल में जो बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं, तो उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे मन करता है कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊं। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस ज्यादा नहीं डाल रही थी क्योंकि मैं डीमोटिवेट हो गई थी, बट अब मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो रिपीट कमेंट्स कर रहे हैं कि हमें इन इन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए। तो मैंने सोचा कि जो लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मुझे उनके लिए तो काम करना चाहिए। तो इसीलिए मैं आज से रेगुलरली आपके लिए वीडियोस लेकर आया करूंगी। आपसे बस एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा देना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, जो हमारे व्यूवर्स ने डिमांड की है वही टॉपिक आज मैं लेकर आई हूँ। टॉपिक का नाम क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। दोस्तों, आपने कभी सुना है, सोचा है कि इंडियन रेलवेज जो है उन्होंने ई टिकटिंग का काम क्यों शुरू किया? ई टिकटिंग मतलब आप ऑनलाइन टिकट बुक कर देते हैं, उसके बाद उस टिकट की आपको प्रिंट आउट लेने की जरूरत नहीं है, हार्ड कॉपी लेने की जरूरत नहीं है। आप उसी को, आपके फोन में वो चीज आ जाती है, जब टिकट चेकर आता है आप उसको वो चीज दिखा देते हैं, तो उसे बोला जाता है ई टिकट। बट इंडियन रेलवे ने ऐसा क्यों किया, कभी सोचा आपने? नहीं सोचा, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं। बात करते हैं हम एप्पल कंपनी की। एप्पल कंपनी ने कुछ टाइम पहले लॉन्च किए हैं मैकबुक एयर लैपटॉप्स वगैरह, जिसमें वो ये कहते हैं, क्लेम करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो 100% रीयूजेबल या रिसाइकलेबल एल्यूमिनियम से बना हुआ है। तो ऐसा वो क्यों कह रहे, कभी सोचा? नहीं दोस्तों, ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कंपनीज जो है इस तरह के प्रोडक्ट्स बना रही हैं जो कंज्यूमर की हेल्थ के साथ साथ एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब अगर आप ई टिकट ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको पेपर का ज्यादा यूज नहीं करना पड़ रहा, अगर आप प्रिंट आउट लोगे तो पेपर इस्तेमाल होता है ना, लेकिन ई टिकटिंग में पेपर यूज नहीं हो रहा। इसी तरह अगर वो कंपनी एप्पल वाली बना रही है प्रोडक्ट्स एल्युमिनियम जो कि रिसाइकल हो जाता है, तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट उनके पास आया है उसको वो रिसाइकल कर सकते हैं। पुराना प्रोडक्ट ले लेंगे आपसे, उसको रिसाइकल करके नया प्रोडक्ट बना देंगे। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि हमारे रिसोर्सेज ज्यादा इस्तेमाल ना करने पड़े, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनसे एक बार प्रोडक्ट बना ले, फिर उसको रिसाइकल कर दिया जाए, फिर से दोबारा प्रोडक्ट बन जाए, फिर से उसको यूज कर लिया जाए, फिर से प्रोडक्ट बन जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम एनवायरमेंट को सेफ रख सके और साथ ही साथ पब्लिक की हेल्थ को भी सेफ रख सके, हेल्दी प्रोडक्ट उन्हें प्रोवाइड करें। आजकल ऑर्गेनिक दालें चल पड़ी हैं, ऑर्गेनिक मेडिसिन चल पड़ी हैं, ऐसा क्यों? ऑर्गेनिक दालें क्या होती हैं? आपने देखा होगा नॉर्मल दाल और ऑर्गेनिक दाल की क्वालिटी में काफी फर्क होता है ना, वो बिल्कुल भी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किए बिना उगाई जाती है, उसमें कोई केमिकल्स नहीं होते, जिससे कि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। हाँ, वो थोड़े से कॉस्टली जरूर होते हैं, बट कॉस्टली वो इसीलिए है क्योंकि वो आपको अच्छी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। और आजकल हमारे कंज्यूमर्स जो है वो हेल्दी, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो वो ऑब्वियसली उस तरह के प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं। तो कंपनीज जो है वो ऑर्गेनिक चीजों की तरफ क्यों जा रही है, एनवायरमेंटल हेल्दी प्रोडक्ट्स की तरफ क्यों जा रही है? क्योंकि वो कंज्यूमर के साथ एनवायरमेंट को भी सेफ रखना चाहती है, और इसी पूरी चीज को हम कहते हैं ग्रीन मार्केटिंग, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, ग्रीन मार्केटिंग। ये टॉपिक जो है ये मुझसे रिक्वेस्ट किया था मिस तहसीम एमएस ने, मिस्टर रोहित ने, मिस शीतल ने, तो आज हम यही टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, ग्रीन मार्केटिंग इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, है ना। ग्रीन इसका मतलब होता है प्योरिटी, ठीक है, प्योर, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। और मार्केटिंग तो आपको पता ही है कि प्रोडक्ट को बनाना, कंज्यूमर तक पहुंचाना, उसको आफ्टर सेल सर्विसेज देना, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन करना, प्रॉफिट कमाना, ये सारा मार्केटिंग होता है। तो ग्रीन मार्केटिंग क्या हो गया, इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाना, इस तरह के प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाना जो बिल्कुल प्योर होते हैं, जिनमें कोई मिलावट नहीं होती, जो नेचुरल रिसोर्सेज से बनाए जाते हैं। ये
प्रोडक्ट रिसाइकल किए जा सकते हैं, यानी एक बार इनको इस्तेमाल करने के बाद ये डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है, इनको दोबारा से रिसाइकल किया जा सकता है। और आजकल मोस्टली कंपनीज इसी चीज पर फोकस कर रही हैं, क्योंकि ऐसा करने से आप प्रॉफिट तो कमा ही रहे हैं, साथ ही साथ आप कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन भी दे रहे हैं, और साथ ही साथ आप सोसाइटी का वेलफेयर भी देख रहे हैं, सोशल वेलफेयर। तो तीनों चीजें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, इसीलिए आजकल ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होने लगा है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं ग्रीन मार्केटिंग। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं ग्रीन मार्केटिंग की डेफिनेशन, जो दी है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ग्रीन मार्केटिंग इज द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर प्रिज्यूम्ड टू बी एनवायरमेंटली सेफ। यानी ग्रीन मार्केटिंग में इस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं जो कि एनवायरमेंट के लिए सेफ होते हैं। इट इनकॉर्पोरेट्स ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूडिंग प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, changes to production process, sustainable packaging and modifying advertisements. Means यहाँ पर सिर्फ product को बनाकर consumer को sell करने तक का ही काम नहीं होता, यहाँ पर बहुत सारी activities perform की जाती हैं, जैसे कि product को modify करना, यानी हमारा product already market में है, वो बिक रहा है, लेकिन वो product जो है environment को नुकसान पहुँचा रहा है, तो हम कोशिश करते हैं उसके अंदर modifications यानी कि changes करने की, जिससे कि वो environmental friendly product बन जाए। Then changes to production process. अब अगर product को change करना है तो obviously उसको बनाने का process भी change करना पड़ेगा, raw material भी different use होगा, तो वो भी यहाँ पर किया जाता है। Sustainable packaging, यहाँ packaging पर भी focus किया जाता है, इस तरह की packaging use की जाती है जो environment के लिए safe हो, like plastic या polythene bags को हटाकर paper bags का use किया जाता है। Then modifying advertising, यानी यहाँ जो advertisements की जाती हैं वो भी इस तरीके से होती हैं जो कि लोगों को अवेयर करती है कि environment को आप सेफ रखिए। अब ये जो concept है ये एक ही दिन में या एक ही month में नहीं आ गया था, ये धीरे धीरे लोगों के limelight में आया, धीरे धीरे लोगों को पता चला कि green marketing जैसी भी कोई चीज है। तो ये कैसे introduce हुआ, कैसे ये develop हुआ, उसके बारे में अब हम discuss करते हैं। तो history क्या है इसकी, इट प्रोमिनेंस इन लेट 1890s, मतलब 1980 और 1990 के बाद ये सबसे ज्यादा लोगों के नोटिस में आया था। कब आया था, जब वर्कशॉप परफॉर्म की गई थी टेक्सास यूएस में 1975 में, और ये जो वर्कशॉप थी ये इकोलॉजिकल मार्केटिंग पर थी। इकोलॉजिकल मार्केटिंग का मतलब ऐसी मार्केटिंग जहां पर बताया जाता है कि कैसे आप एनवायरमेंट को सेफ रख सकते हैं। इस सेमिनार के बाद, इस वर्कशॉप के बाद ही लोगों को इसके बारे में पता चला। ये तीन फेजेस से होकर गुजरी, जो फर्स्ट फेज थी उसका नाम रखा गया नोन एज इकोलॉजिकल, यानी यहाँ पर ये बताया गया, लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया इस चीज पर कि कैसे कैसे हमारे प्रोडक्ट्स एनवायरमेंट के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। लाइक अगर आप शुगर की फैक्ट्री खोल रहे हैं, आप शुगर केन से शुगर बना रहे हैं, तो उससे जो वेस्ट केमिकल निकलता है वो वाटर को खराब करता है, ठीक है। या आप शैम्पू बना रहे हैं, शैम्पू बनाने में आप जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं उसका गंदा पानी भी आपके एनवायरमेंट को खराब कर रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई कि किस तरह से हमारे प्रोडक्ट्स एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सेकेंड फेज नोन एज एनवायरमेंटल, इस फेज में ये डिस्कस किया गया कि किस तरह से हमें प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना चाहिए। हमने प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट किया कि जो एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, जो हमारी कंपनीज के प्रोडक्ट के वेस्टेज हैं वो कैसे कम किए जा सकते हैं और कैसे वो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, इसके बारे में सोचा गया। थर्ड फेज नोन एज सस्टेनेबल, ये वो फेज है जो आजकल चल रही है, जहां पर प्रॉफिट कमाने के साथ साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी दी जाती है और साथ ही साथ सोशल वेलफेयर भी देखा जाता है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ग्रीन मार्केटिंग ज्यादा फेमस हो रही है। फर्स्ट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रीन मार्केटिंग जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करती है। जैसा कि आपको पता है कि मार्केटिंग में कॉन्सेप्ट है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब होता है कि हमें प्रॉफिट अर्न करने के साथ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एंड सोशल वेलफेयर भी करना चाहिए। तो अगर हम ग्रीन मार्केटिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो ये सारी चीजें हम अटेन कर सकते हैं। सेकंड, इंक्रीज गुडविल ऑफ फर्म। अगर आप ऐसा क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हैं जो हेल्थ को और एनवायरमेंट को सेफ रखता है, तो ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, और अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपकी मार्केट में गुडविल इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट रेगुलेशंस। जब हम किसी भी कंपनी इंडिया में या कंट्री में काम करते हैं तो हमें गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, और गवर्नमेंट का मेन फोकस होता है एनवायरमेंट को सेफ करने पर।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी में गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेयर ना हो, तो आपको हमेशा गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो एनवायरमेंट को सेफ रख सकता है. देन एनवायरमेंट कॉन्शियस कंज्यूमर. आज का जो कंज्यूमर है वो पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है, उसे पता है कि एनवायरमेंट को सेफ रखना कितना जरूरी है. तो अगर आप ऐसे कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट देना है वो भी एनवायरमेंटली सेफ होना चाहिए. देन फॉर कंजर्विंग स्केयर्स नेचुरल रिसोर्सेज. हम जिस कंट्री में रह रहे हैं ऑब्वियसली वहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और सभी की अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड नीड्स हैं, लेकिन उनको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है. तो थोड़े रिसोर्सेज के थ्रू हम सबको कैसे सेटिस्फाई करें ये हमें ग्रीन मार्केटिंग से ही पता चलता है. नाउ द टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन मार्केटिंग. यानी ग्रीन मार्केटिंग करते समय क्या बातें ध्यान में रखी जाती है, क्या सिद्धांत है जिसकी वजह से ग्रीन मार्केटिंग बनाई गई. तो इसका जो पहला सिद्धांत है वो ये, यूज ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल. सिंपल, इनका सबसे बड़ा मोटो ये है कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें यूज होने वाला रॉ मटेरियल इको फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब ऐसा जो एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे. ठीक है. सेकेंड, रीयूज पैकेजिंग. ये सिर्फ प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पर ही फोकस नहीं करते बल्कि प्रोडक्ट की पैकिंग पे भी फोकस करते हैं. ये चाहते हैं कि इस तरह की पैकेजिंग प्रोवाइड की जाए जो रिसाइकल की जा सके ताकि एनवायरमेंट को नुकसान ना हो. थर्ड, यूज नेचुरल रिसोर्सेज ओनली. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ग्रीन मार्केटिंग में सबसे ज्यादा फोकस होता है कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज से बनाया जाए, नेचर की चीजों को इस्तेमाल करके बनाया जाए, किसी भी तरह के केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स का यूज ना किया जाए. नेक्स्ट, प्रोवाइड बेनिफिट टू एनवायरमेंट. इनका मोटो होता है कि जो भी प्रोडक्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो एनवायरमेंट के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए. नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिसाइकल प्लांट्स. यहाँ प्लांट का मतलब पौधा नहीं है, प्लांट का मतलब मशीन्स या जो बड़े बड़े कंपनीज होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं. तो ये कह रहे हैं कि हमें रिसाइकल प्लांट्स बना के रखने चाहिए. रिसाइकल प्लांट्स का मतलब कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया उसको सेल कर दिया, तो जब वो प्रोडक्ट एक्सपायर होगा, लाइक आपने कोई फोन बेचा है अब वो आउट ऑफ फैशन हो गया है, या फिर आपने कोई बॉटल बेची है वो कंज्यूम हो गई है, वो खाली हो गई है, तो उनको वापस लेकर रिसाइकल करने के लिए भी आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए. नेक्स्ट, यूज ऑफ लेबल्स. प्रोडक्ट के ऊपर लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे पता चले कंज्यूमर को कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं. नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि एनवायरमेंट को सेफ रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों की हेल्थ को फायदा पहुंचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो जब एक कंपनी ऐसा करती है तो वो ग्रीन मार्केटिंग में आ जाता है. नेक्स्ट, प्रॉफिट इन लॉन्ग रन. ऑब्वियसली अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अच्छा जा रहा है, कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को लाइक कर रहा है, तो ऑब्वियसली डिमांड, सेल्स, प्रॉफिट सब कुछ इंक्रीज होगा. और ये सिर्फ थोड़े समय के लिए नहीं होगा बल्कि जब तक आप उस तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे आपके प्रॉफिट्स बढ़ते ही रहेंगे. देन फाइनल अपॉर्चुनिटीज. फाइनल अपॉर्चुनिटीज मीन्स, या आप कह सकते हो फाइंड अपॉर्चुनिटीज. यहाँ पर ये ढूंढा जाता है कि फाइनली हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है जिसके जरिए हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट हम कंज्यूमर को दे सकते हैं. तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इम्पोर्टेंस या बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन मार्केटिंग. क्या फायदा है हमें ग्रीन मार्केटिंग से. सो फर्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट. ग्रीन मार्केटिंग में जो भी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं कि क्लासमेट कंपनी के जो रजिस्टर्स हैं वो उसमें जो पेपर यूज करते हैं क्लोरीन फ्री होता है. नॉर्मली बाकी रजिस्टर्स में जो पेपर यूज होता है उसमें क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि हमारी हेल्थ को नुकसान हो सकता है, बट क्लासमेट का रजिस्टर अच्छी क्वालिटी के साथ साथ हेल्दी प्रोडक्ट भी दे रहा है. तो इससे क्या होगा कि हम एनवायरमेंट को सेफ रख पाएंगे. सेकेंड इज पब्लिक हेल्थ. जैसा मैंने आपको बताया कि अगर प्रोडक्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली है तो ऑब्वियसली वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, आपकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा. नेक्स्ट इज लेस गवर्नमेंट कंट्रोल. गवर्नमेंट का कंट्रोल हमारी कंपनी के ऊपर कम हो जाता है अगर हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करता है. देन रिड्यूस कॉस्ट. जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसको बाद में हम रिसाइकल कर लेते हैं जिससे हमें और ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है. नेक्स्ट, कॉर्पोरेट इमेज.
जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, पब्लिक की हेल्थ के लिए अच्छा है, इसीलिए कस्टमर उसकी डिमांड करने लगता है, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ने लगते हैं और ऑटोमेटिकली कंपनी की गुडविल बन जाती है। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जो भी प्रोडक्ट यहाँ बनाया जाता है वो हमेशा कॉम्पिटिशन को फेस करने के साथ साथ एनवायरमेंट की सेफ्टी के बारे में भी ध्यान रखता है। जैसा कि आपने देखा होगा, एग्जांपल लेते हैं हम सर्फ एक्सेल की एड, जिसमें वो बोलते हैं कि आप सिर्फ आधा मुट्ठी सर्फ एक्सेल डालिए और सारे कपड़े धो लीजिए, जिससे कि आपका क्या होता है कि हर रोज 2 बकेट पानी बचाना है, ऐसा वो कहते हैं। इसी तरह विम बार वो बोलते हैं सिर्फ आधा चम्मच और ढेर सारे बर्तन धो लो। इससे क्या होता है, वो आपको बता रहे हैं कि इससे आप पानी का भी बचत कर सकते हैं, आपका वाटर तो सेव हो ही रहा है, साथ ही साथ आपके पैसे भी बच रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि वो कंपटीशन को तो कट कर ही रहा है, अपने कॉम्पिटिटर को हरा रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको अच्छा प्रोडक्ट भी दे रहा है। नेक्स्ट, इम्प्रूव्स क्रेडिबिलिटी, यानी कि भरोसा बन जाता है। जब हम एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं तो कंज्यूमर का हमारे ऊपर भरोसा बन जाता है और वो भरोसा हमें लंबे समय में फायदा देता है। नेक्स्ट, प्रोविजन टू प्रोडक्ट फॉरेस्ट रिवर्स फ्लोरा एटसेट्रा। जब ग्रीन मार्केटिंग में प्रोडक्शन किया जाता है तो यहाँ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि रिवर्स फॉरेस्ट का ज्यादा इस्तेमाल ना किया जाए, मीन्स ज्यादा लकड़ी का इस्तेमाल ना करें, पानी का इस्तेमाल ना करें, जिससे कि इन चीजों को हम बचा लेते हैं जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है जो आजकल कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट इज फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम ग्रीन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं तो हम सोसाइटी के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहे हैं। देन रिड्यूस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर भी फॉरेस्ट रिवर्स ये सभी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो जब हम प्रोडक्ट कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग बनाते हैं और उसको रिसाइकल करते हैं तो हमें ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता और इससे हमारा एनवायरमेंट बचा रहता है। नेक्स्ट, एंश्योर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ये लंबे समय में हमें फायदा देता है क्योंकि हमारी प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं, गुडविल बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली लॉन्ग टाइम में हमारे कंज्यूमर्स हमारा प्रोडक्ट परचेज करते हैं। इम्प्लीमेंट इनोवेशंस, यहाँ पर हमेशा कोशिश की जाती है कि नए नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाएं जिससे कि प्रोडक्ट में और ज्यादा चेंजेस ला सकें और ज्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट की जा सके, जिससे एनवायरमेंट के साथ कंज्यूमर का भी फायदा होता है। नेक्स्ट, इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ हर्बल प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ प्रोसेस्ड प्रोडक्ट। प्रोसेस्ड प्रोडक्ट का मतलब वो प्रोडक्ट जो मार्केट में फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स के इस्तेमाल से बनाए जाते हैं। तो अगर हम ग्रीन मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो ऑब्वियसली कंज्यूमर उस तरह के प्रोडक्ट खरीदेगा और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का यूज कम हो जाएगा, जिससे हमारा एनवायरमेंट सेफ रहेगा। नेक्स्ट, फेयर डीलिंग विद कंज्यूमर। हम कंज्यूमर के साथ कोई नाइंसाफी नहीं करते, कोई चीटिंग नहीं करते, उसे हेल्दी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छी कॉस्ट पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कंज्यूमर भी खुश रहता है। तो इसी के साथ हमारा एडवांटेजेस टॉपिक खत्म होता है। दोस्तों, सेकंड पार्ट में जल्दी लेकर आऊंगी, उसका जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।